हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि आज 22 सितंबर है, आज दो शिफ्टों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है। तो मेरे पास अभी अभी व्हाट्सएप से एक दोस्त ने जो आज का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है वो भेजा था, तो उसमें से जो मैथमेटिकल पार्ट है उसका एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो प्लेन्स दिए हुए हैं उनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन होगा आपका 10+2 क्लास के सिलेबस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ये 10+2 क्लास का। और अगर हमें इसका आंसर की जरूरत पड़े तो यहाँ पे एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा कोस थीटा, एक्स के कोएफिशिएंट की एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, कोस थीटा हमारे पास ये आ जाएगा, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा, y के कोएफिशिएंट की y के कोएफिशिएंट के साथ यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस z के कोएफिशिएंट की z के कोएफिशिएंट यहाँ जगह है ही नहीं है तो इसको राइट साइड में लिखेंगे तो माइनस z का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये cos थीटा हमारे पास 0 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गए। तो cos थीटा अगर हमारा 0 हो जाता है तो cos थीटा 0 पर हो गया होता है 90 डिग्री पे 0 होता है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि cos हमारा 0 90 डिग्री पे होता है, तो इसका आंसर a पाई बाई 2 है। एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास 7, 26, 63, 124, 215 and 343, अगर आप ध्यान से देखें कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, ये होते हैं 8, 27, 64, 125, 216 और 343। तो आप देखें 8 से 7 है, 27 से 26 है, 64 से 63 है, 125 से 124 है, 216 से या 1 लेस हो गया, यहां से 1 लेस हो गया, तो हमारे पास 8 क्यूब आना था, 8 क्यूब हो जाएगा 512 से 1 लेस हो जाएगा तो 511, ये इसका आंसर हो जाएगा 511, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आया है, ये इसमें मुझे नहीं पता कि ये मिसप्रिंट है, क्योंकि जो मैं इसका प्रिंट निकाल के इसको देख पा रहा हूं उसमें इस तरह से है कि जो ये लेस देन का सिंबल है ये माइनस समझे, अगर ग्रेटर देन के सिंबल को प्लस समझे हम, और इक्वल के सिंबल को मल्टीप्लाई समझे हम, और जो डॉलर का सिंबल है उसको हम प्लस समझे, तो मुझे यहां डाउट है कि यहां प्लस की बजाय अगर ये डिवाइड है, अगर प्लस की जगह ये डिवीजन है, तो अगर ये प्लस की जगह पर डिवीजन है तो उसके हिसाब से हम अगर इसको करके देखें, ग्रेटर देन की जगह पे हमने प्लस लिख लिया 81 ऐसे ही, डॉलर के सिंबल की जगह पे अगर हम डिवाइड लिख लेते हैं और लेस देन वाले सिंबल की जगह माइनस लिख लेते हैं, तो पहले हमें डिवीजन करनी पड़ेगी, तो 81 डिवाइड बाय 9, तो 27, यहां से 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, -6, तो यहां से 36, 27 और 9, 36 - 36 आ जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन में 30 है तो हमारे पास भी आंसर आ जाएगा। और अगर ये इसको भी प्लस मान रहा है, अगर ये इस जगह को भी प्लस मान रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 90 90 और 20 110 170 माइनस तो 111, ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो इट मींस तो ये जो डॉलर का सिंबल है या तो ये मिसप्रिंट है या फिर मैं इसको ठीक ढंग से नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू ये जो पेपर आया था, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो होना चाहिए बी 30। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 से 4 बनाए, 4 से 16 बनाए, 16 से 128 बनाए, और आगे पूछा गया। अब आप देखें 2 रेस्ट टू पावर 1 2 होता है, 2 रेस्ट टू पावर 2 4 होता है, 2 रेस्ट टू पावर 3 8, तो ये इस तरह चलते रहेंगे, 2 रेस्ट टू पावर 4 16, 2 रेस्ट टू पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 32, 2 रेस्ट टू पावर 6 64, 2 रेस्ट टू पावर 7 128, 2 रेस्ट टू पावर 8 128, 256 512 1024, 2048, 2 रेस्ट टू पावर 9, 2 रेस्ट टू पावर 10, 2 रेस्ट टू पावर 11, इस तरह से है हमारे पास। अब आप देखें, एक तो 2 रेस्ट टू पावर 1 के कोरिस्पोंडिंग आ गया, एक फिर 2 रेस्ट टू पावर 2 के कोरिस्पोंडिंग आ गया हमारे पास, फिर एक 2 रेस्ट टू पावर
फोर के कोरिस्पोंडिंग 16 आया हमारे पास, वन से टू आया, टू से फोर आया, वन से पावर टू बनी, टू से पावर फोर बनी। अब 16 के बाद आ रहा है हमारा 128 हमारे पास, ये हमारे पास जो पावर है 7 होगी, तो ये हमारे पास पावर 7 होगी। अब हमारे पास 2^1, 2^2, नेक्स्ट 2^4, फिर 2^7, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 128। और फिर अगले वाला इससे पूछा गया है कि अगले वाला क्या होना चाहिए। यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये 2^2 में चले हुए सारे के सारे, तो 2^2 के हिसाब से तो हमारा जो बी आंसर है वही फिट बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो इसको फेवर नहीं कर रहा है हमारे पास। तो 1, 2, 4, नेक्स्ट हमारे पास ये 7 पे आ रहा है, और 7 के बाद हमारे पास 20, ये 11 पे, 2^11 पे आ गया। तो अगर इसका लॉजिक ढूंढे हम, यहाँ इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया। तो 2^11 यानी कि 2048 इसका जो आंसर होगा वो भी होगा। वैसे भी आप अगर आप देखें 2^4 को देखें, और कोई ऑप्शन फेवर कर ही नहीं रहा, ये सारे 2^4 पूरी पूरी पावर है, और कोई ऑप्शन फेवर नहीं है कर रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, अगले वीडियो में आपके पास भेजता हूँ। थैंक यू।